हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द ओथेलो। ओथेलो एक प्ले है, ट्रेजेडी प्ले, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। एक बहुत ही महान राइटर हुए हैं, ग्रेट। ओके, वी फाइंड इन शेक्सपियर ट्रेजेडी दैट अ इविल और फॉल पर्सन इज पनिश्ड एंड गुड पर्सन इज अवॉइडेड। यागो इज द ब्लेन ऑफ द प्ले ओथेलो। इसमें क्या है, देखिए, मेन करेक्टर है ओथेलो, उसकी वाइफ है डेस्डेमोना। यागो जो कि विलेन है, और इसकी वाइफ है एमिलिया। इसमें और भी करेक्टर्स हैं, एक है कैशियो करेक्टर, जो इसका ओथेलो का, वो उसको उस पर क्या कहते हैं, इसका ओथेलो का वो लेफ्टिनेंट होता है, जिस इसी वजह से यागो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो उससे बदला लेने की सोचने लगता है। एक करेक्टर है इसमें रोड्रिगो, जो कि यागो के साथ ही इस पूरी प्लान में शामिल होता है। ब्रेवेंशियो जो कि डेस्डेमोना का फादर होता है। बस इसमें यही कुछ करेक्टर्स हैं। ओके, यागो इज द विलेन ऑफ द प्ले ओथेलो। ही फील्स पॉइजन इन द माइंड ऑफ ओथेलो अगेंस्ट हिज वाइफ डेस्डेमोना। ये क्या करता है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा जहर भर देता है, किसके खिलाफ, डेस्डेमोना, उसकी वाइफ के खिलाफ, ओथेलो की। कम्स इन पिक्चर ओथेलो रिपेंट्स फॉर किलिंग हिज इनोसेंट वाइफ। बाद में क्या होता है, ओथेलो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और वो अपनी वाइफ को मार देता है। एंड कमिट्स सुसाइड, जब उसको सच्चाई का पता लगता है तो वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। ओथेलो बिगिंस टू सस्पेक्ट हिज वाइफ, वाइफ्स करेक्टर, वो अपने वाइफ के करेक्ट पर क्या कहते हैं, उसको गलतफहमी हो जाती है। एट लास्ट ही किल्स हर वाय स्ट्रैंगलिंग यागो द विलेन ऑफ द प्ले इज हैंडेड ओवर टू कैशियो टू बी पनिश्ड द फेथफुलनेस। उसको किसको लेकर गलतफहमी होती है, एक कैशी होता है जो उसको वह लेफ्टिनेंट बनाता है, उसको और अपनी भाई के करेक्टर पर उसको शक होता है। और ऑफ कैशियो इज प्रूव टूवर्ड्स ओथेलो एंड डेस्डेमोना। यागो बिकम्स डिसअपॉइंटेड टू नो द एलोपमेंट ऑफ डेस्डेमोना विद ओथेलो। सेकेंडली ही वॉज नॉट अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, कैशियो वॉज सेलेक्टेड विकम्स द कॉज ऑफ हिज ट्रबल, सो ही डिसाइड टू टेक रिवेंज ओथेलो। ओथेलो कैशियो को अपना लेफ्टिनेंट चुन लेता है, यागो को नहीं चुनता है। इस वजह से ओथेलो से रिवेंज लेता है। वो रिवेंज इस तरीके से लेता है, उसकी वाइफ डेस्डेमोना और कैशियो के गलत फहमी को लेकर उसके मन में जहर भर देता है ओथेलो के मन में, जिससे क्या होता है, वो लास्ट में अपनी वाइफ को मार देता है। और जब उससे ये सच्चाई इसकी यागो की वाइफ एमिलिया बताती है, तो वो अपने आप को भी सुसाइड कर लेता है। ओके, कहानी का आरंभ वेनिस से होता है, जहाँ की रोड्रिगो और यागो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ओके, रोड्रिगो यागो से शिकायत करता है कि उसने खूब खुले दिल से रोड्रिगो को पैसा खर्च किया है, किंतु उसने उसे धोखे में रखा है। अब क्या है, यहाँ पर ओथेलो और डेस्डेमोना का विवाह हो चुका है। यागो कहता है कि उससे शादी की भनक तक नहीं लगी, और वो ओथेलो से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि ओथेलो ने उसको अपना लेफ्टिनेंट नहीं बनाया और कैशियो को अपना लेफ्टिनेंट बना लिया। सब फिर यागो रोड्रिगो को बोलता है कि वो जाकर के डेस्डेमोना के फादर ब्रेवेंशियो को बताए कि उसकी बेटी ने भागकर ओथेलो से शादी कर ली है, जबकि वो डेस्डेमोना का जो फादर होता है वो उसको बहुत नफरत करता है ओथेलो से। तो इस तरीके से रोड्रिगो जाकर के उसको बताता है। यागो और रोड्रिगो दोनों जाकर के ब्रेवेंशियो के दरवाजे पर जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो वो ब्रेवेंशियो बोलता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी ने ओथेलो से शादी कर ली है। इस तरीके से ब्रेवेंशियो को बहुत गुस्सा आता है, और वो चाहता है कि, वो सोचता है कि शायद ओथेलो ने ही मेरी बेटी पर कुछ जादू टोना कर दिया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है,
क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शर्मिले स्वभाव की थी और वो इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकती। ठीक है, वो जाता है न्याय की मांग करने किसी ड्यूक के पास। ठीक, लेकिन जब ड्यूक ओथेलो को अपने पास बुलाता है तो ओथेलो उसको पूरी सच्चाई बता देता है कि मेरी सिर्फ इतनी ही खता थी कि मैं डेज़्डेमोना से लव करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी वहाँ पर डेज़्डेमोना को बुलाया जाता है, वो भी कह देती है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। इसी तरीके से धीरे धीरे जो है ओथेलो का जब ये काम नहीं हो पाता है तो वो कैशियो और डेज़्डेमोना के बीच में क्या कहते हैं उन दोनों को लेकर ओथेलो के मन में गलतफहमी भर देता है कि उसकी वाइफ का उससे अफेयर चल रहा है और वो धोखा दे रही है। इस तरीके से क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा वो शराब पी लेता है ओथेलो, तो उसकी वाइफ अपने उस है एक रुमाल लेकर आती है और वो रुमाल उसको ओथेलो को देती है, लेकिन ओथेलो उसको फेंक देता है गुस्से में आकर और एमिलिया चुपचाप उठाकर उस रुमाल को यागो को दे देती है। यागो वो रुमाल कैशियो के जेब में रख देता है। जब ओथेलो को ये पता लगता है कि कैशियो के पास डेज़्डेमोना का रुमाल है तो उसके बीच में गलतफहमी और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बाद में जा करके अपनी वाइफ को मार देता है। जब एमिलिया उसके रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि डेज़्डेमोना करहा रही है, तो वो उससे पूछती है कि ये सब क्या किया है। तो तभी ओथेलो बताता है कि ये मैंने इसको मारा है क्योंकि ये मेरे साथ बेवफाई कर रही थी। तभी एमिलिया बताती है कि वो रूमाल मैंने ही अपने पति को दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस रूमाल का मिसयूज इस तरीके से होगा। बाद में जब यागो आता है वो अपनी वाइफ को मार देता है, जहाँ पर वो सच्चाई बता रही होती है। उसके बाद ओथेलो भी सुसाइड कर लेता है लास्ट में। इसी तरीके से ये प्ले हो का एंड हो जाता है। ओके, एमिलिया व्हेन शी रिकवर्स द शॉक एक्यूज्ड ऑफ ओथेलो एंड आस्क हिम द रीजन फॉर दिस रीजन फॉर दिस इनह्यूमन बिहेवियर ओथेलो टेल्स हर दैट डेज़्डेमोना डिजर्व डेथ बिकॉज शी वॉज गिल्टी ऑफ एडल्ट्री ही हैज सीन द हैंडकरचीफ प्रेजेंटेड बाय हर टू कैशियो हर हस्बैंड यागो हैज बीन द इन्फॉर्मर नाउ द ट्रूथ अबाउट द विलेनिटी ऑफ यागो डाउंस अपॉन हर एंड शी डिस्क्लोजिस द फर्दर टू एक्सपोज द करचीफ शी डज नॉट स्टॉप हेयर शी गोज फर्दर टू एक्सपोज द विलेनिटी ऑफ यागो यागो फर्स्ट ट्राइज टू साइलेंस हर एंड वेन ही फेल्स ही स्टेप्स हर फ्रॉम बिहाइंड एंड रन्स अवे वो क्या करता है यागो अपनी वाइफ को मार करके भाग जाता है एमिलिया को मार कर भाग जाता है। सम लेटर्स फाउंड इन द पॉकेट ऑफ डेड रोड्रिगो रोड्रिगो वो क्या करता है यागो भी बड़ी चालाकी से उसको मार देता है और रोड्रिगो के पॉकेट में कुछ लेटर्स मिलते हैं जो सारी योजना यागो ओथेलो के खिलाफ बनाता है उसमें सारी योजनाएं लिखी हुई होती हैं। वो एक पत्र सारे उसकी जेब में मिलते हैं फर्दर एक्सपोज एंड प्रूव द इनोसेंस ऑफ डेज़्डेमोना एंड ऑल्सो कैशियो जिसमें क्या लिखा हुआ होता है कि डेज़्डेमोना और कैशियो ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ओके, उनका उनकी इनोसेंट को प्रूव करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कैशियो नाउ द गवर्नर ऑफ साइप्रस टू इन्फ्लिक्ट डेथ ऑन यागो बाय स्लू टॉर्चर ओथेलो ऑल्सो फाइंड्स नथिंग टू लिव हर सो ही ऑल्सो किल्स हिमसेल्फ with a last kiss on the chaste lips of his wife. With a heavy heart we take leave of this bed which is loaded with three corpses, Othello, Desdemona and Emilia.
लास्ट में जो है उस बेड पर तीन डेड बॉडीज होती हैं, ओथेलो की, डेस्डेमोना की और एमिलिया की। इस तरीके से एक गलत फहमी की वजह से कितनी जाने चली जाती हैं। ये एक जेलिशी प्ले भी है, एक ट्रेजिक प्ले है, क्योंकि लास्ट में जो मेन करेक्टर है ओथेलो और डेस्डेमोना की डेथ हो जाती है। तो इस प्ले के बीच में जो मेन करेक्टर हैं वो ओथेलो, डेस्डेमोना जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, कैशियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट होता है, यागो जो कि एक ब्लेन है और उसका एक फ्रेंड रोड्रिगो, ओके रोड्रिगो लेकिन लास्ट में सही हो जाता है जब उसकी फिर उसको मार दिया जाता है यागो के द्वारा। ब्रेवेंसियो जो है वो डेस्डेमोना के फादर हैं। इसमें बस यही करेक्टर्स हैं जो मेन करेक्टर हैं। ओके सो वी फाइंड इन शेक्सपियर ट्रेजेडी दैट अ एविल और फोल पर्सन इज पनिश्ड एंड गुड पर्सन इज अवॉइडेड। ओके इसमें यागो इज द ब्लेन ऑफ द प्ले ओथेलो, ही फील्स पॉइजन इन द माइंड ऑफ ओथेलो अगेंस्ट हिज वाइफ डेस्डेमोना कम्स इन पिक्चर। ओथेलो रिपेंट्स फॉर किलिंग हिज इनोसेंट वाइफ एंड कमिट्स सुसाइड। ओथेलो बिगिंस टू सस्पेक्ट हिज वाइफ्स कैरेक्टर, एट लास्ट ही किल्स हर बाय स्ट्रैंगलिंग यागो। द ब्लेम ऑफ द प्ले इज हैंडेड ओवर टू कैशियो टू बी पनिश्ड। द फेथफुलनेस और कैशियो इम्प्रूव टूवर्ड्स ओथेलो एंड ऑल्स डेस्डेमोना।